है, पॉसिबल है, आप आगे चलना चाहते हैं, मैं कहता हूँ यार ये ले लो, ये दे दो, ऐसे काम चल जाएगा दोनों का। मैं इसको बेच लू, कमी में बेच लू, महंगे में बेच लू, सस्ते में बेच लू, या मैं इसको खुद रख लू, मेरे पैसे नहीं है, आप ले जाओ, इतने महीने बाद दे दोगे, हाँ जी मैं दे दूंगा, बात खत्म होगी। ना मैं कोई गारंटी मांगता हूँ, चलिए ना मैं किसी को कहता हूँ मुझे अपने घर का एड्रेस दो, ना मुझे ये दो या वो दो, ले जाओ, मेरे घर की चीज है, ये सपोर्टिव वे है, ये सपोर्ट बड़े ब्रीडर्स को छोटे ब्रीडर्स के लिए करनी चाहिए ताकि वो भी सफाई रहेगी। हाँ जी, अब बड़े ब्रीडर जो कहते हैं ना ये हॉबी हमारी वजह से है, या ये बिजनेस या ये सारी इंडस्ट्री हमारी वजह से है, मानते हैं, हम मानते हैं, लेकिन आज अगर बर्बादी के दहाने पर जा रही है ना, उस तरफ ये चल पड़ी है, तो उसकी वजह भी आती है, आपकी लड़ाइयां हैं, आपकी ईगो है, मैं हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है, मैं बादशाह तू गुलाम, वो चीज चल रही है। तो अब जब तक आप करेंगे नहीं, आप एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, और छोटे फैंसियर को टाइम और स्पेस नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो आप चल नहीं सकते। नहीं देखिए, खाली सपोर्ट नहीं आने करना, सारी बात उसको साफ लेके चलेंगे तो वो चलेगा। हाँ, मुबशर भाई, उसको खाली सपोर्ट नहीं करना, उसको स्पेस भी देनी, स्पेस भी देनी, यार उसको भी करेंगे, स्पेस कहाँ देनी, आप म्यूटेशन लाए हैं, आप ऊपर खेल रहे, नीचे आएंगे तो काम बनेगा ना, ऊपर नीचे, यहाँ तो उसकी प्राइस तो मेंटेन करके नीचे लेकर आए, वो अपलाइन वाला हिसाब ना करें कि 50,000 का मंगवाया, 2,00,000 का बेचा, और नीचे वाले ने अगर लिखाने के बेचारे ने, तो उसने 2,00,000 भरना ना, उसने 2,00,000 भर दिया, जब वो बेचने जाएगा 3,000 का भी, वही तो सिस्टम है, ये आगे ना, ठीक है ना। क्यों आप यहाँ पर दे देते हैं इम्पोर्टर को स्पेस दे देते हैं, ब्रीडर को देने की बजाय इम्पोर्टर को स्पेस देते हैं, 50,000 की चीज मंगवा के 2,00,000 वो ब्रीडर इम्पोर्टर इससे यार, ये 50,000 की मंगवा के 2 की बेच रहा है, वो बल्क मंगवाता है, ज्यादा मंगवाता है, क्वांटिटी में मंगवाता है, वो 10,000-12,000 का पीस मंगवाता है, 25 का मार्केट में बेचता है। अब वो जिसने 2,00,000 का परचेज किया है, वो जब तक ब्रीड करवाता है, वो 25,000 का मार्केट में आ गया, वो टगे टोकरी हो गया। वो स्पेस देने का मकसद ये है, म्यूटेशन लाए लेकिन उसको पहले पिछले म्यूटेशन को कवर हो लेने दे। आप पिछले, जाहिर है आपने 5 का बेचा, मैंने 3 खरीद लिया, मैंने आज 3 का बेचा, अब जिसने 3 का खरीदा उसको स्पेस चाहिए, बिल्कुल उसने बेचारे पूरे के साथ दिया ना, उसको स्पेस चाहिए। मैंने डिल्यूट पिछले साल 1,50,000 का पेड़ खरीदा, आज वो 5,000 का नहीं बिक रहा, कोई लेता ही नहीं उसको, मेरी स्पेस खत्म होगी। मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैंने लोगों के पीछे आपके पीछे नक के ले लिया बिल्कुल खत्म होगी स्पेस, पैसे खत्म हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग ना मैंने इंटरव्यू किए हैं लोगों से, वो भी यही बताते हैं जब नया फैंसर लेता है बेचारा, हाँ उसकी जलावट हो जाती है। हाँ, जैसे आपने बताया अभी आपने 1,50,000 लिया है, तो आपने थोड़ा सीजन भी कमाया या नहीं कमाया, अभी 5,000 से कोई नहीं ले रहा, कोई नहीं ले रहा। अगर कोई नया बंदा जिसको बनूर का तो पता होगा, बनूर बड़ी चीज है, वो जाके अभी भी किसी को नहीं पता ना, तो आप उसको लेकर चिपका सकते हैं, चिपका सकते हैं ना नए बंदे को, बिल्कुल। जब वो लेके जाएगा घर में जाकर पालेगा, बच्चे लेगा, तो किसी के पास लेके जाएगा, उसने कहा भाई उठा उसको तो लेके जाओ, बिल्कुल यही होता है। तो इसलिए अब जो कहते हैं ना जी ऊपर बड़े ब्रीडर का, तो ऊपर आके खेले भाई, वो ऊपर आके ऊपर आके बिकता, हमारा नहीं बिकता, आपका बिकता ना, उनका नहीं बिकता, तो वही वो ऊपर आके भी कैसे खेल रहा है, नीचे खेलता तो मरता है, वो ऊपर खेलता तो मरता है, इसलिए इसमें दरमियानी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो ये है कि अगर वो थोड़ा सा इंतजार करें, अब देखिए पिछले साल एक्वा आया 5-5 लाख रुपए का, 6-6 लाख रुपए का, बड़ी डिमांड थी उसकी भी, ठीक है ना। तो इस वक्त उस दिन मैंने देखा है, ये पिछले हफ्ते में देखा, मेरे ख्याल में खुरम जहांगीर भाई ने लगाया हुआ था, या किसी ने लगाया हुआ था, ब्रीडर ने किसी ने, अब B2 एक्वा ऑफलाइन 1,10,000 रुपए का, कहां 5-6 लाख और कहां 2,50,000, एक सादा एक्वा आप 5-6 लाख का बेच रहे हैं, कहां एक ही साल में, क्यों? इसमें 2-3 रीजन है, डोमिनेंट और सेक्स लिंक कामयाब नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में कामयाब है रिसेसिव जीन, ठीक है, डोमिनेंट फैक्टर और सेक्स लिंक जेनेटिक जो है ना पाकिस्तान में कामयाब नहीं है, अपलाइन है सेक्स लिंक जेनेटिक, सिलेटी हो गया, मिश्ती हो गया, क्या नाम है, ये सारे हो गए आपके डोमिनेंट हो गए, कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंट हो गए, फिर आगे आपके आगे रिसेसिव में कौन सा आ जाते हैं, आपके रेड ही बर्ड आ जाते हैं, ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे में चलता जा रहा है, और इसकी क्या नाम है कि इसकी सर्वाइवल कम है, वो सर्वाइवल और ब्रीड कम होने की वजह से ये अपनी जगह पर टिका हुआ है।
फ्लक्चुएट करता है 2-4-5 हजार सही लाखों में नहीं फ्लक्चुएट वो तो एकदम सही मतलब नीचे आ गया। अब डोमिनेंट में क्या है कि आपने एक बर्ड विजुअल लगाया और उसके साथ आपने सिंपल लगाया तो चार बच्चे हैं तो दो आपके विजुअल आ जाने हैं दो नहीं आने। अब आप उसके साथ स्प्लिट लगाने की तो आपको जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सेक्स नहीं है आप अपलाइन का मेल लगाएंगे साथ में शादी फीमेल लगा देंगे तो आपके पास भादियां तो अपलाइन के आ ही जानी है। सही है तो भीड़ बढ़ गई तो ये चीजें हैं इसीलिए न्यू फेंसर को जेनेटिक सीखने की जरूरत है और बड़े ब्रीडर को भी जरूरत है को न्यू फेंसर को सिर्फ ये ना बताए इतने लगाओ ये कर लो वो कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो उसको जेनेटिक भी पढ़ाए बताए बताएंगे तो उसको समझ आएगा ना बेचारे को। मेरी एक वीडियो लगी हुई थी पीछे तो उन्होंने कहा कि ब्लू पीला आज से 4 साल पहले लोगों को नहीं पता था। मैंने कहा बिल्कुल पता था लेकिन किनको पता था बड़े ब्रीडरों को उनको सारे पता था उनको पता था नए ब्रीडर को क्या पता चला नए ब्रीडर को अब आगे पता चला अभी भी 50% लोगों को ब्लू नहीं पता, नहीं पता। मैं 5 साल से ब्रीड करवा रहा हूँ सही मैं 5 साल से ब्रीड करवा रहा हूँ मुझे पता है मुझे भी पता कैसे चला कि एक बंदे के पास गया उससे ऐसी बात हुई इवन असल में मैं वजाहत मुनव्वर भाई को मैंने कॉल दी उन्हें आगे किसी को रेफर कर नहीं रेफर नहीं उन्होंने मुझे किया मैंने उनसे फिशरी एक मांगी वो फिशरी मांगी उन्होंने कहा वो बीट होती है मैंने कहा ये बीट हो क्या होती है फिर मैं कहीं और गया उन्होंने पैसे जितने डिमांड किए मुझे नहीं समझ आई वो मैं कहीं और गया फिर उन्होंने बताया वहां से मुझे अल्बाइनो मिला बीटो में मैंने वो परचेज किया तो उसकी लाइन लेकर आगे चला हूं मैं। तो पैसे आपको लगाने पड़ते हैं और होल्ड करना पड़ता है वेट करना पड़ता है कब आपकी मार्केट बूम करेगी और बेसिकली लव बर्ड बूम किया लॉकडाउन में उसी वजह लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया जो कहते हैं ना बड़े ब्रीडर बिल्कुल उनकी स्ट्रगल है उनकी मेहनत है उनकी प्रमोशन है सब कुछ है लेकिन अल्लाह की तरफ से लॉकडाउन में इसको बूम मिल गया अल्लाह की वही होता है इंसान की ब्रीडिंग टाइम शॉर्ट है ब्रीडिंग लाइफ छोटी है कि ये 6-7 महीने में ब्रीड कर जाता कर जाते हैं और ब्रीड करता है बजरी की तरह जब ही करता है दर बच्चे फिर आपने उसके ऊपर बता दिया सोने पे सुहागा कर दिया फोस रही वो फिर से जितने मर्जी बच्चे ले लें मर गया सही हो गया अच्छा जाल